बाजार जैसा जालीदार ढोकला बनेगा आज मसाला किचन में। यकीन मानिए ये ढोकला इतना अच्छा बनेगा, इसके लिए मैंने काफ़ी दिनों से सोचा कि कैसे उतना जालीदार इतना बढ़िया बनाया जाए। तो उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, वो मेहनत रंग लाई है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। लेकिन मेरे पास आपके बहुत सारे ढेरों कमेंट्स यही आ रहे थे कि साइट्रिक एसिड ना हो तो आज आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म कर देते हैं। ना मैं डालूंगी साइट्रिक एसिड, ना ही मैं शुरू में चीनी डालूंगी। तो वो डायबिटिक पेशेंट जिन्हें खाने का बड़ा मन करता है अब वो भी खा पाएंगे। तो ढोकला हमें मीठा पसंद तो आता है, लेकिन बिना चीनी के कैसे बनाएं? तो चलिए पहले हम बिना चीनी के बनाएंगे, बाद में से मीठा भी करेंगे। चलिए ये देख लेते हैं इसे बनाने के लिए मुझे चाहिए क्या। मैंने बहुत कम से कम इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। यहाँ देखिए, ये जालीदार ढोकला बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 कप बेसन, नॉर्मल बेसन जो हमारे घर में हमेशा होता है। उस बेसन को छान लीजिए, 1 कप या कप जितनी कोई कटोरी सेट कर लीजिए, उसको भर कर आप बेसन ले लीजिए। तो जिस कटोरी से आपने बेसन लिया है उसी कटोरी का आधा हमें चाहिए दही। नॉर्मल जो हमारे घर में दही होता है वही दही हमें चाहिए। ये देखिए, मैं उसी कटोरी में आपको दही भी डाल के दिखा रही हूँ, जिससे आप कोई भी गलती अब ना करें। और बाकी जो आधा कप ऊपर का बचा हुआ हिस्सा है वो मैं पानी डाल रही हूँ। मतलब कुल मिला के 1 कप बेसन, 1 कप दही और पानी, इन दोनों को मैं छाछ बना लेती हूँ दही और पानी को। ऐसा करने से बेसन में बिल्कुल भी लम्स नहीं होंगे। अब बेसन में डालेंगे सिर्फ और सिर्फ नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। 2 पिंच डाल दीजिए हल्दी, हल्दी भी ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि कई बार आप सबकी शिकायत आती है कुछ भी रिएक्ट होता है तो आपका ढोकला ऊपर लाल सा हो जाता है। क्यों लाल हो जाता है ये भी मैं आपको आखिर में बताऊंगी। अब उस दही वाली छाछ से इस बेसन को गूंथ लीजिए। मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि इस दही से आपको ढोकला कैसा लगा। आपने नोटिस किया होगा इस कप में सिर्फ 1 चम्मच पानी कम था, तो 1 चम्मच पानी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। कुल मिला के 1 कप आपको बेसन चाहिए, 1 कप छाछ चाहिए। इन दोनों को मिक्स कर दीजिए बहुत अच्छे से कम 5 मिनट आप इसे मिक्स कीजिए, यही मेहनत है। और एक ही साइड से आप उसे मिक्स कीजिए, जिससे आपका ढोकला बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा, बहुत ही जालीदार बनेगा। आज के बाद मुझे विश्वास है आप इसी टाइप का ढोकला बनाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ टेंशन ही नहीं है। साइट्रिक एसिड वैसे तो हम हमेशा डालते हैं, पर इस वक्त गला खराब होने का काफ़ी ज़्यादा डर है सबको। थोड़ी सी हल्की खांसी सी होती है और हम डर जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे आप दही यूज़ कीजिए। अच्छा, कई मेरे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो जैन हैं, लेकिन कई जैन के यहाँ दाल और बेसन नहीं खाया जाता, तो वो लोग फिर साइट्रिक से बना सकते हैं या नींबू के रस से बना सकते हैं। अब बारी आती है ये कि कई बार ये शिकायत आती है कि ढोकला जो है ऊपर से कई बार लाल हो जाता है। अगर सोडा प्रॉपर तरीके से नहीं मिलाई गई है और कुछ दाने उसके रह गए, या उसके साथ इनो फ्रूट सॉल्ट नहीं डाला गया है, तो कभी कभी ऐसा होता है या ज़्यादा डल जाने के वजह से भी हो जाता है कि ऊपर से ढोकला लाल हो जाता है। कई कई बार उसका स्वाद भी थोड़ा कसेला हो जाता है। तो आप सोडा को मत यूज़ कीजिए, बेकिंग पाउडर और इनो को यूज़ कीजिए। अब इसे हम ढक कर रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए एक तरफ। इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जल्दी ना हो तो 1 घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन जल्दी हो तो कम से कम 10 मिनट तो आप उसे रेस्ट जरूर दीजिए। अब यहाँ मैं इसे बना रही हूँ एक पतीले में, किसी कढ़ाई में भी बना सकते हैं, इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं। उसमें मैंने एक छोटी सी जाली रख दी है और करीब करीब 1.5 ग्लास पानी डाल दिया है। यहाँ मैं केक टिन में बना रही हूँ, आप कोई भी थाली भी ले सकते हैं। मैं केक टिन में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा ऊंचा बनता है तो अच्छा लगता है। ये 6 इंच का केक टिन है, 6-6.5 इंच का, उसे मैं ग्रीस कर रही हूँ बस। अब दोनों तैयारियाँ हमने पहले ही कर दी, अब उस ढोकले के मिश्रण को लेते हैं। हमेशा मैं आपके बहुत सारे ढेरों कमेंट यही पढ़ती थी, साइट्रिक एसिड ना हो तो, साइट्रिक एसिड ना हो तो। मैंने सोचा सबको जवाब देने से तो अच्छा है एक रेसिपी ही ले आऊँ। अब हमें 2-3 मिनट के लिए फिर से इसे फेंटना है। ये देखिए, इसका मिश्रण जो है हमने अच्छे से फिर से फेंट लिया है। कभी आपको इसको थोड़ा लिक्विडी लगे तो 1/2 चम्मच बेसन
डाल सकते हो। नमक और दही मिलके कभी कभी ये थोड़ा सा लिक्विड सा हो जाता है। एक आध चम्मच बेसन और ऐड कर सकते हो। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया और 1 सैशे इनो का डाल दिया। आपको इनो तो डालना ही है, लेकिन बेकिंग पाउडर अगर आपने मिश्रण को रखा है काफ़ी देर, आधे पौने घंटे के लिए, तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसे फटाफट से मिक्स कीजिए। ये आप इनो तभी डालिए जब आपका कढ़ाई में पानी अच्छे से गर्म हो गया हो, इससे पहले बिल्कुल ना डालें, क्योंकि हमें अब देर नहीं करनी है। फटाफट इस मिश्रण को डालकर और उस स्टीम बाउल में रखना है। ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें कि यहाँ पर आपने इनो डाल दिया, वहाँ आपने कढ़ाई गर्म करने के लिए भी नहीं रखी है। ये लीजिए, अब गरम गरम स्टीमर में इसे रख दीजिए। फौरन से इसे कवर कर दीजिए। फ्लेम को आप ऐसा ही रहने दीजिए जो नॉर्मल होती है, हम लोग फुल हाई फ्लेम रखते हैं, और 15 मिनट के लिए समझ लीजिए भूल जाइए। चाहे तो 5-7 मिनट बाद थोड़ा स्लो कर सकते हैं, लेकिन ये इसको स्टीम के लिए अच्छे से फ्लेम तो चाहिए। 15 मिनट के लिए बिल्कुल मत खोलिए। कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जिन्हें आप भी फॉलो करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट ढोकला बनने वाला है। लीजिए, राइट 15 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ। हाथ लगाने से लग तो रहा है वो बन गया है, पर फिर भी हम एक बार टूथपिक से चेक कर लेते हैं। आप नाइफ से भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल क्लीन आई है। ये देखिए, अब गैस को तो बंद कर दीजिए, लेकिन इसे अभी निकालने की जल्दी बिल्कुल ना कीजिए। 10-15 मिनट इसे ढक कर रख दीजिए, इसे ठंडा होने दीजिए। लीजिए, 10-15 मिनट हो गए हैं, ये ठंडा भी हो गया है। अब चलते हैं इसे डीमोल्ड करने। पानी देखिए, मैंने इतना डाला था कि अभी भी उसमें कुछ थोड़ा सा पानी रखा हुआ है कढ़ाई में। अब साइडों से स्क्रैप कर दीजिए नाइफ से और उसे इस तरीके से निकाल दीजिए। यस, अब आप यहाँ भी देख लीजिए नीचे से कितने एयर पॉकेट्स हैं। यहाँ से काफ़ी सॉफ्ट है, नीचे टिन भी बिल्कुल क्लीन निकला है। अब मैं आपको कट भी करके दिखाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे साइड से हमारा तड़का भी बन जाए। अब कढ़ाई में हमने डाल दिया ऑयल 1-2 चम्मच बस। यहाँ पर मैंने डाल दिया 1/2 चम्मच काली सरसों, आप लाल राई भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ डाल दिया एक लंबी कटी हुई हरी मिर्च और खूब सारे करी पत्ते। करी पत्ते और मिर्च अच्छे से सिक चुके हैं। मैं इसमें 1/2 कप डाल रही हूँ पानी। अब क्योंकि ये मिर्ची खट्टी भी चाहिए, मीठी भी चाहिए और नमकीन भी चाहिए, तो इसमें मैं डाल रही हूँ इस तड़के में 2 टेबलस्पून चीनी, बहुत थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ थोड़ा नींबू का रस। तो ये जो मिर्ची है ना, बहुत ही बढ़िया बन जाएंगी। अब ये तड़का बहुत अच्छे से उबल चुका है। हम गैस बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम ढोकले के ऊपर डालेंगे। इससे पहले मैं आपको ढोकला कट करके दिखाती हूँ। कट करने से ही आप समझ गए होंगे ये ढोकला बहुत ही अच्छा बना है। यहाँ देखिए, बिना तड़का डाले भी कितने ज़्यादा एयर पॉकेट्स हैं, कितना जालीदार ढोकला बना है। ना तो हमने सोडा डाला है, ना ही हमने इसमें साइट्रिक डाला है, और ये तो पूरा तरीके से फीका भी है, मतलब मीठा नहीं है। अब इसके हम काफ़ी सारे पीसेस कर लेते हैं। कुछ साइड के पीसेस को हम नमकीन बना लेते हैं। आप चाहें तो पूरे ही ढोकले को नमकीन भी बना सकते हैं। कभी कभी नमकीन ढोकला भी बहुत पसंद आता है। अगर हम कोई चौकोर ट्रे लेते तो ये साइड के पीस भी चौकोर ही निकलते। मैंने कुछ पीसेस को ढोकला जैसे हमें मार्केट में मिलता है जालीदार, वैसे ही मैंने शेप्स में काट लिया है। बाकी के जो साइड के पीस हैं उन्हें मैंने अलग रख दिया है। तो देखा ना आपने इसका रिजल्ट, बिना साइट्रिक के, बिना चीनी के भी हम ढोकले को बना सकते हैं। और बस आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, उसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो, उसे स्टीम 15 मिनट लगना चाहिए, 15 मिनट उसी के अंदर रहना चाहिए और फेंटना अच्छा है। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपका भी ढोकला बिना साइट्रिक के बहुत बढ़िया बनेगा। अब हम इस तड़के को ढोकले के ऊपर डाल रहे हैं। बहुत अच्छे से इसमें डालिए, ये स्पॉन्जी हैं, बहुत अच्छे से ये इस सिरप को एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे।
बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पहले चीनी नहीं डाली तो ये मीठे नहीं बने, ये मीठे भी बने हैं। अगर थोड़ा सा ये मिश्रण तड़के वाला बच जाता है तो उसे आप रख भी सकते हैं, थोड़ी देर बाद जब कभी आपको ड्राई लगता है तो आप दोबारा भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए, ये है ना बड़ा स्पॉन्जी सा ढोकला, ये बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल ये ढोकला तैयार है। अब चलते हैं हम उस ढोकले को बनाने के लिए, जो ढोकला हमने साइड के पीसेस को रख दिया है। अब गार्निश कर दीजिए थोड़े से धनिया पत्ती की। एक बहुत ही बढ़िया तड़का बनाएंगे, वो ढोकले भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो किसी भी खमंड के ऊपर थोड़ा सा ग्रेटेड नारियल ताजा या नारियल का बुरादा, जिसे डेसिक्रेटेड कोकोनट कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए ढोकले का थोड़ा सा पानी तड़के वाला रह गया, इसे मैं अलग रख देती हूँ। उसी पैन में मैं दोबारा एक तड़का तैयार कर रही हूँ। एक चम्मच ऑयल लेंगे, काली सरसों डाल देते हैं, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 पिंच हींग, इसमें हींग का स्वाद बहुत अच्छा आएगा, थोड़ी सी लंबी कटी हरी मिर्च और खूब सारी करी लीव्स, इन सबको हमें सेकना है। करी लीव्स और मिर्च अच्छे से सिक चुकी हैं, बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक मिर्च इसलिए डाल रही हूँ कि मिर्च और करी लीव्स भी थोड़ी तीखी सी हो जाएं। अब डालते हैं जो बचा हुआ ढोकला, बहुत थोड़ा सा हम पानी भी डालेंगे जिससे ज़्यादा ड्राई ना हो, और इसे हम मिक्स करेंगे। ये ढोकला भी बहुत शानदार होता है। सही मायने में मुझे तो इस तरीके का ड्राई ढोकला ज़्यादा पसंद आता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नारियल का बुरादा और थोड़ा सा धनिया, इसे भी हम एक साथ सेक लेंगे। क्या आपने भी इस तरीके से ढोकले को कभी ट्राई किया है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लीजिए मैंने इन सबको सेक लिया है, अब एक प्लेट में हम सर्व करते हैं। अब प्लेट में सर्व करने के बाद देखते हैं किसका ढोकला ज़्यादा अच्छा बना है। आप भी इस तरीके से दोनों ट्राई कीजिए, फिर आप फैमिली से पूछिए कि आपको सबसे अच्छा किस ढोकले का टेस्ट पसंद आया। इसके ऊपर गार्निश कर दीजिए चाहे तो बारीक सेव की हरी चटनी के साथ, एंजॉय कीजिए। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।